वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं अमृत लखारा। अभी तक अपन ने पिछली क्लास के अंदर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कंप्लीट किया, जिसके अंदर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस था। आज अपने पास उसके ऊपर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं उसको अपन यहाँ पर करेंगे। अब न्यूमेरिकल में या तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रिक सर्किट, और व्हाट विल बी करंट फ्लोइंग द इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग इन इलेक्ट्रिक सर्किट। या तो आपको वो पूछेगा कि पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, या आपको पूछेगा इस सर्किट के अंदर करंट कितनी फ्लो हो रही है वो, या ईच रेजिस्टेंस के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है उसके। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, उसके बेस पर अपन न्यूमेरिकल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन लेके चलते हैं, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन गिवन सर्किट, शॉर्ट में लिखा है सर्किट CKT। अब आपके सामने एक सर्किट दिया हुआ है जिसके अंदर तीन रेजिस्टेंस हैड टू टेल कनेक्शन के अंदर कनेक्ट है विद द बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। That is resistance R1, that is R2 and that is R3. The value of R1 is 6 ohm and R2 is 8 ohm and R3 is 10 ohm. These three resistances are connected in series with the battery of 12 volt. Now we find the equivalent resistance of that circuit. First of all, we write given value like that. R1 is equal to 6 ohm, R2 is equal to 8 ohm and R3 is equal to 10 ohm. The potential difference across the battery is 12 volt. First of all, we see here these all resistance in connected in series, the equivalent formula of resistance in series connection are equivalent, that is R1 plus R2 plus R3. Put the value of R1, R2, R3 in equation. Now, R equivalent is equal to, what is R1? 6 ohm plus, what is R2? 8 ohm plus, what is R3? 10 ohm. Add them, 6 plus 8 plus 10, 18, 18 plus 6, 24. The equivalent resistance of that electric circuit is 24 ohm. Enough. तो इतना आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। अब इसी क्वेश्चन के अंदर आपको यह पूछा जाए What is electric current flowing in that entire circuit? What is electric current flowing in entire whole circuit? We know that according to Ohm's law, V is equal to IR, I is equal to V upon R. ये कब करना है? जब आपको ये पूछा जाए कि इस पूरे सर्किट के अंदर करंट कितनी फ्लो हो रही है। अब आपको ये कहा जाए कि पूरे सर्किट के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है वो होगी अपनी आई, या आपको पूछा जाए कि ईच रेजिस्टेंस के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है वो सेम होगी, क्योंकि अपन ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा है कि जब भी कोई रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर कनेक्ट है तो उस ईच रेजिस्टेंस के अंदर करंट उतनी ही फ्लो होती है जितनी पूरे सर्किट के अंदर फ्लो होती है। नाउ आई इज इक्वल टू वी, वी इज टोटल potential difference of that circuit is 12 and R, what is R? 24. 12 upon 24, 1 by 2, that's mean 0.5 unit of current is ampere, 0.5 ampere. तो ये अपने पास equivalent resistance पूछे तो इतना करना है और current पूछे तो हमें इतना करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गिवन सर्किट इन दैट सर्किट वी हैव थ्री रेजिस्टेंस विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन लाइक दैट विथ अ बैटरी विच आर पोटेंशियल इज वी वोल्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस इज 5 ओम, सेकेंड इज 4 ओम and last one is 10 ohm. Find the equivalent resistance of entire circuit. First of all, we write the given value. What is R1 is 5 ohm, R2 is 4 ohm, and last one is 10 ohm. Now we have to check that all resistances are connected in parallel sequence, and we know that the formula of R equivalent in a parallel combination 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Put the value of R1, R2 and R3 in that equation and we got 1 upon R1. What is R1? 5 ohm. 1 upon 5 plus 1 upon R2. R2 what is? 1 upon 4 plus 1 upon 10. Now we take LCM of all this quantity 5, 4 and 10. The LCM is 20. Now we have to solve 5, 20, 4 plus 4, 20, 5 plus 10, 22. Now we have to add them 4 plus 5, 9, 9 plus 2, 11. 11 upon 20. That is the value of 1 upon R equivalent. Now we have to calculate R equivalent. Now we have to reverse the given value. Now R equivalent is 20 upon 11. 20 upon 11 something is 1.8 ohms. That is the solution of that question. तो हमें क्या करना है यहां पर कि तीन रेजिस्टेंस दिए हुए 5 ohm, 4 ohm and 10 ohm और ये तीनों जो रेजिस्टेंस है वो आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट है विद बैटरी ऑफ वी वोल्ट। तो सबसे पहले हमें यह चेक करना पड़ेगा कि ये कनेक्शन कैसा है, पैरेलल है। पैरेलल का फॉर्मूला 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। अब जितनी भी वैल्यू हमें दी गई है उन सभी वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे और पूरे कैलकुलेशन से हम निकालेंगे व्हाट इज 1 upon R equivalent। हमें पूछा क्या है R equivalent, जो वैल्यू हमें मिली है यहाँ पर उसको रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने पर हमारे पास आ गया 20 upon 11 and that is something 1.82 ohm, right? Next question पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास होगा द गिवन सर्किट इज लाइक आपको कुछ ऐसा गिवन सर्किट दिया हुआ है एंड फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए टू बी। ए और बी के बिटवीन आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है कि ए और बी के बिटवीन आर इक्विवेलेंट कितना है, हमें वो फाइंड करना है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी से अपर साइड कितने रेजिस्टेंस है, टू रेजिस्टेंस है, एंड दिस टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट देम। तो यहां पर हमने देखा 2 ओम और 2 ओम ये दोनों किसमें है, सीरीज के अंदर है, सीरीज के अंदर है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2+2 कितना 4। तो इसको हमने एज्यूम किया R1 और ये अपना R2, तो इनका जो R डैश का आएगा वो आ जाएगा R1+R2। व्हाट इज R1? 2 ओम प्लस 2, हाउ मच, 4 ओम। नाउ दिस 2 ओम एंड 2 ओम आर आल्सो कनेक्टेड इन सीरीज, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट देम R double dash, वी एज्यूम दैट इज R3 एंड R4 एंड द रिजल्टेंट ऑफ R3 एंड R4 इज R double dash एंड दैट टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, द फॉर्मूला ऑफ सीरीज कनेक्शन, सिंपली एड देम, वॉट इज R3? 2 ओम प्लस 2 ओम, हाउ मच, 4 ओम। नाउ वी रिड्रॉ द सर्किट अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यू, नाउ दैट इज पॉइंट ए एंड दैट इज पॉइंट बी, R1 एंड R2 रिजल्टेंट इज R-, दैट इज 4 ओम। And this is also 4 ohm. Now this 4 ohm and this 4 ohm, these both are in a parallel connection. So we have to use the parallel formula, and that is 1/R equivalent. 1/4 plus 1/4. 1 upon that resistance plus 1 upon that resistance. So 1/4 plus 1/4. Add them. How much? 1/4 plus 1/4 is 1/2. 1/R equivalent. Now the value of R equivalent is, reverse them, 2 ohm. That is solution of that question. Next question. Now the given circuit is like that, a triangle form, triangular form. And that is A point and that is B point. Question is same, find the equivalent resistance between A and B. A or B ke beech mein hame equivalent resistance find karna hai. The value of that is 2 ohm, 2 ohm and 2 ohm. Now we have to check this 2 ohm and this 2 ohm both are connected in series. Now, first of all, we calculate them. We assume this is R1 and this is R2. The equivalent of R1 and R2 is R-. The simply formula of series combination, R1 plus R2. Put the value, 2 ohm plus 2 ohm. How much? 4 ohm. The R-desk is 4 ohm. Now we draw that circuit A and B. इन दोनों को जब सॉल्व किया तो हमें जो R इक्विवेलेंट मिला इन दोनों का वो है 4 ओम। 4 ओम को यहां पर हमने लिख दिया। उसके बाद ये तो अपने पास है ही 2 ओम। अब हमने इसको चेक किया कि ये 4 ओम और ये 2 ओम ये दोनों आपस में किसमें है, ये आपस में पैरेलल कनेक्शन के अंदर है।
यदि ये दोनों पैरेलल कनेक्शन के अंदर है तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2 1/4 प्लस 1/2 1/4 प्लस 1/2 इज 3/4 दैट इज 1/R इक्विवेलेंट. Now the value of R equivalent is reverse them 4/3 ohm. That is answer. Check it. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कुछ हमें कुछ ऐसा सर्किट दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा अपने पास है कि यहाँ पर अपने पास 3 ohm, 3 ohm एंड 3 ohm ये आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है और सेम सेटअप यहाँ पर भी अपने ड्रॉ किया है और ये तीनों भी आपस में किसमें है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है और ये दोनों जो सेट है वो 1 ohm के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट है और ये पूरे रेजिस्टेंस का जो सिक्वेंस है वो 6 volt की बैटरी के साथ कनेक्ट है और हमें वही फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सर्किट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व इट. सबसे पहले हमें इस वाले सर्किट को हमें सॉल्व करना है, इसका जो इक्विवेलेंट आए उसको अलग से लिखना है, उसके बाद इस वाले सर्किट को सॉल्व करना है, इसका जो रिजल्ट आए उसको अलग से लिखना है और तीनों को आपस में सॉल्व करना है. तो मैं ये मानकर चलता हूं कि इस वाले रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो अपने पास है आर वन. We assume that is R1. इसको assume किया ये R2 and इसको assume किया ये R3. जब इस वाले सर्किट को हमने सॉल्व करेंगे तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा 1/R-. 1/R- is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. Put value of R1, R2 and R3. 1/3 plus 1/3 plus 1/3. Now we take LCM. LCM is 3. 1 plus 1 plus 1. Solve. 3/3, that is 1/R-. So R-dash is equal to 1 ohm. 1 का रिवर्स 1 ही है तो R-dash कितना गया 1 ohm. सिमिलर हम इन्हें भी सोल्व करेंगे तो एज्यूम दैट इज R4, दैट इज R5 एंड दैट इज R6. और इनका जो रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट उसको वी एज्यूम R" ठीक है. नाउ कैलकुलेट.
दिस इज आर फोर आर डबल डैश, वन अपॉन आर डबल डैश इज इक्वल टू वन अपॉन आर फोर प्लस वन अपॉन आर फाइव प्लस वन अपॉन आर सिक्स. One upon R double dash is equal to one upon R four. R four how much? Three. Put the value and calculate. If we calculate, then we got three upon three and R double dash is same 1 ohm. Now we redraw that circuit. Like that. इन सबको सोल्व किया, इसका इक्विवेलेंट 1 ohm इज राइट 1 ohm. इसको ये तो दिया हमें 1 ohm और इसको सोल्व किया तो यहां से आ गया ये 1 ohm. हमें पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो पूरे सर्किट के अंदर ये 1 ohm 1 ohm 1 ohm ये किस कनेक्शन के अंदर कनेक्ट है? सीरीज के अंदर कनेक्ट है. तो इनका जो रिजल्ट आ जाएगा वो आर इक्विवेलेंट इज सिंपली एड 1 + 1 + 1 हाउ मच 3 ohm. आंसर इज 3 ohm. देख लीजिए एक बार इसको. अब इसी क्वेश्चन के अंदर आपको ये पूछा जाए कि व्हाट इज करंट फ्लोइंग इन इंटायर सर्किट, कि इस पूरे सर्किट के अंदर करंट कितनी फ्लो हो रही है. तो उसको सॉल्व करने के लिए वही अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर एंड वी इज 6 वोल्ट एंड आर इक्विवेलेंट ऑफ इंटायर सर्किट इज 3. तो 6 / 3 इज 2 एम्पियर. करके देखते हैं यहाँ पर. कि पूरे सर्किट के अंदर करंट कितनी फ्लो हो रही है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर एंड वी इज 6 एंड आर इंटायर सर्किट इज 3 6/3 इज इक्वल टू 2 एम्पियर. द करंट इज 2 एम्पियर. राइट. नेक्स्ट. कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन सोल्व करने कोई दिक्कत नहीं है. जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, कमांड बढ़ेगी इसमें. बाकी वैल्यू यहाँ पर जैसे अपन यहाँ पर 2, 3, 4 या 1, 6, 5 लेके चले तो एग्जाम के अंदर कोई भी वैल्यू आपको गिवन हो सकती है. ठीक है. नेक्स्ट इज मैं सिंपली यहां पर वैल्यू लेके चलता हूं ताकि समझने में कोई दिक्कत नहीं आए. तो ये अपने पास कोई एक सर्किट है और आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है. ठीक है. तो फर्स्ट वी सॉल्व इट. 2 ohm and 2 ohm दिस बोथ आर इन सीरीज कनेक्शन एंड द इक्विवेलेंट ऑफ 2 ohm and 2 ohm इज आर डैश. तो सिंपली एड 2 + 2 हाउ मच 4 ohm. And remaining 2 ohm and 2 ohm which are also in connected in series and we add them simply R double dash is equal to 2 + 2 how much 4 ohm. Now we draw circuit diagram of that is A and that is B, 4 ohm and 4 ohm. 4 ohm and 4 ohm, these both are in connected
पैरेलल, बिकॉज यहां पर ये पॉइंट और ये पॉइंट, यदि आप इसको ड्रॉ करेंगे, अब इस पॉइंट को इस वायर पर आप कहीं पर भी लेके आ जाओ, यदि आपको ये ऐसा बना दो तो भी ये रॉन्ग नहीं है। अब इसको देखने से लग जाता है कि सर हाँ ये तो पैरेलल है, और पैरेलल को चेक करने का सबसे बेस्ट मेथड अपने पास है, देखिए कि दोनों के अंदर जो करंट फ्लो है वो सेम है या डिफरेंट डिफरेंट है। सीधी सी बात, यदि करंट यहाँ से फ्लो होगी तो उसके पास दो पाथ है, दो पाथ है तो करंट 100% क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। नाउ आर इक्विवेलेंट इसी करंट को, अब 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 + 1/4 1/4 and 1/4 1/2 आर इक्विवेलेंट इज 2। तो ये अपने पास आज कुछ क्वेश्चन है, और रिमेनिंग क्वेश्चन हम और भी लेके चलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर आपको और अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। ठीक, धन्यवाद।